गई चली गई। ये बंदा हमारा खड़ा है। हाँ सही फाजी अग्गी थे क्या कार के ना वैसे अग्गी थे क्या ना पैदल तो खाएं भी खिलाएं भी। चलो जी आ जाओ फिर सत बिस्मिल्लाह जिसने खाना है आ जाओ। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। अभी जो है ना सी पैक के नीचे हम मौजूद हैं ऊपर नहीं नीचे और आज हमारे मेहमान हैं अजीज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप ठीक है तबीयत से ठीक है कैसा लग रहा है गर्मी में ये वाला सीन आपको कैसा लग रहा है मजा आ रहा है ना। तो भाई लोग अभी हम मौजूद हैं हम यहाँ से लेने आए हैं आम वाम क्योंकि ये सामने बाग है मतलब कि उस बंदे के इंतजार में है जिसका आम का बाग है मतलब वो भी हमारे भाई हैं वो अभी घर से आ रहे हैं और अभी हम इंतजार कर रहे हैं अजीज साहब को भी इंजॉय करवा रहे हैं। वैसे इनकी तो ड्यूटी है आपकी यहाँ पे आधार कार्ड में है ना ड्यूटी है तो मैंने तो आपका वो करवाना था इंट्रो आप भी हमारे साथ हैं जो ऑफ कैमरा है ना मेरे बड़े भाई तारिक भाई और उमर खान भी हमारे साथ हैं और छोटे खान भी हमारे साथ हैं। ये सी पैक का व्यू दिखा दें अभी इसके नीचे खड़े हैं यहाँ से गाड़ियाँ वाड़ियाँ गुजर रही हैं ये पीछे वाला व्यू दिखा दें बाग शाग ये जो है ना गाँव का माहौल जो है ना देसी ये बाग दिखा दें सारे और यहाँ से जो है ना आम जा रहे हैं एबटाबाद एबटाबाद के लिए ऑफ कैमरा भाई जानते हैं बड़े जो हमारे मतलब के वीडियो शीडियो बना रहे थे किधे से इंजुल नहीं पासूं। तो अभी जो है ना भाई लोग यहाँ से हम जाएंगे इस तरफ बाग हमारा आना है ऐसा। चलो साईं बैठे चलो सी बैठो बैठो शाम का टाइम है तकरीबन टाइम हो गया है सात का टाइम हो गया ना सी बाकी चलते हैं उधर बाग में वहां से आम शाम का सीन आपको भी दिखाएंगे। कपड़े पाते ओह माय गॉड बड़ी सालन कट मारी है ना अभी चलने सीधा बाग में जहाँ से हमने मैंगो की पेटियाँ उठानी है बोरे क्या के नैन पे बोरे के बोरे ये देख लें वैसे जितना गर्मी है अंदाजा लगा लिया दूसरा तीसरा दिन है बहुत ज्यादा गर्मी अंडरपास साइम को भी गर्मी लग रही है देखे पड़ा हुआ है साइम साइम खड़ा हो रहा है लगा रहे खुद इधर देखो बाय बाय बोल दो इधर कैमरे में मिलो भाई जान जो है ना स्पीड में लेके जा रहे हैं कहीं मेरे बाग ना जुलखड़ो ये नहीं खड़े हो खड़े पीछे तो नाम लेना पड़ेगा ट्राली ट्रैक्टर तो यही खड़ा है ट्राली ट्रैक्टर लगा ना उसे क्या देख रहे हो कैमरा देख रहे थे आगे ये बंदा हमारा खड़ा अंदर ओए अस्सलाम वालेकुम। हाँ सही फाजी अग्गी थे क्या कार के ना वैसे अग्गी थे क्या ना पैदल तो आ सकता हूँ पैदल तो जुल सकता हूँ ज्यादा दूर है क्या पैदल नहीं से आ सकते दूर है दूर है अच्छा वैसे ये वाले सीन देख लें ये मैंगो लगे हुए यहाँ से रेडी हुए गर्मी में लंगड़ा इसमें आम जो है ना तैयार होके जाएंगे वहाँ पे भी रेडी हो रहे यहाँ से ये तैयार करके मार्केट में लेके जाएंगे यहाँ से फिर बड़े बड़े शहरों को जाते हैं लाहौर कराची के लिए। मैंगो की पेटियाँ जो है ना वो आ चुकी हैं एक एड़ा सही चौंसा चौंसा तैयार हो गया है
ਇਹ ਵਾਲ ਹੁਣ ਬੋਰੇ ਛੋਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈਂ ਇਹ ਡੂ ਜਾੜੇ ਤਾਂ ਅਗੂ ਬੇ ਵੀ ਲਗਸਨ ਵਾਲ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲ ਤਰ ਆਮਸਨ ਵਿਆਹ ਹੁਣ गर्मी देख अच्छा डू डी लग से ना सी उड़े बन जाते ही एक डी कल तो नहीं पुजते उड़े कल पुज भी संजू साइम साइम गर्मी है ना पसीना देखे इसको कितना बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है इसको लेके तो आए गाड़ी पे इसको बड़ा शौक था घूमने के लिए लेकिन गर्मी जो है ना बहुत ज्यादा है परेशान होकर बैठा हुआ है डू चलें घर साइम घर चले हैं अभी देख रहा है वो सामान गाड़ियां जा रही हैं इधर से रोड से गाड़ियां देख के खुश हो रहा है पकड़ लें गाड़ी को साइम पकड़ लें पकड़ लो गाड़ी को पकड़ लो उधर जा रही है रोड वो आ रही और पकड़ो इसको पकड़ो 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 इसको गाड़ी को चली गई गई चली गई चलो आगे चल के फिर पकड़ लेंगे ये दोबारा खोलो दूसरी भी आ गई हैं जी बेटिया एक गिफ्ट आई है एक हमारे लिए गिफ्ट है अच्छा छह उधर जाएंगे मतलब एक घर सही है आगे जो है ना गाड़ी का रास्ता नहीं था नहीं तो गाड़ी चली जाती वहां पे इसलिए बाइक पे गए हैं गर्मी देखें या पसीना खान साहब कोई गाल नहीं हो रही बासों के बाल सेट थी उसे चौंसा या अपनी अनुर लटोरे हैं अपनी चौंसा या अनुर लटोरे चौंसा आया कितना जो तो अब ये भी स्पीड से जा वहां से तो हम निकल के आ गए हैं लेकिन जहर पी टर्मिनल पे हमने पूछा कार्गो का कोई टाइम नहीं डायरेक्ट जा रहा और अभी हम खानपुर पहुंचे हैं भाईजान वाले वो सामने खड़े हैं अभी बढ़ाइच वालों से पूछ रहे हैं कि कोई वहाँ यहाँ से डायरेक्ट टाइम जाता है असल मिस्टेक ये हुई है कि हमने वो जो आम मैंगो लिए ना उसमें दवाई वगैरह भी रखी हुई है तो ये अगर दो एक दिन और लेट हुआ तो ये ख़राब हो जाएंगे मैंगो अभी इस वजह से अभी रात के टाइम जो हो गया 9:20 हो गए लेकिन अभी कंफर्म कर रहे हैं कि दो जगह से हमें चेंज करनी पड़ेगी पहले इस्लामाबाद जाएंगे वहाँ से फिर एबटाबाद के लिए तो अभी कंफर्म कर रहे हैं अल्लाह करे हो जाए नहीं तो फिर एक दिन अगर और इंतज़ार करना पड़ा तो महंगो तो है ना यहाँ पे ख़राब हो जाएंगे Day 2 वेलकम बैक व्यूअर कल जो है ना हमें सवारी नहीं मिली थी जिसकी वजह से हम आम उधर नहीं भेज सके थे तो आज गाँव में आए हैं और आम इधर ही खा रहे हैं ये वो वाले नहीं हैं ये गांव से लिए हैं और जो है ना उनको पार्सल करके अभी जाना है उधर भेजने के लिए वो फिर जहर पीर जाना पड़ेगा खानपुर से भी नहीं हुए थे अभी यहाँ पे गांव का माहौल एंजॉय कर रहे हैं ये देख भाई जान लोग मैंगो वैंगो खा रहे हैं और हवा चल रही ताज़ी इधर से ट्यूबवेल भी चल रहा है तो बात ये है कि जहर पीर हम आए हैं यहाँ पे जो है ना कोई बस हमें यहाँ पे भी नहीं मिली यहाँ से पता किया है कोई पुराने ज़माने की बस आती थी होटल पे जाके पता किया कहते हैं भाई वो तो पता नहीं कितने साल से बंद हो गई है बस आ ही नहीं रही तो अभी जो है ना फिर दोबारा से सी पैक पे चढ़ के अब रहीमी और खान की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सुना है टर्मिनल कौन सा टर्मिनल है डेवो का टर्मिनल है इकबालाबाद है ना इकबालाबाद वहाँ पर जा रहे हैं पता नहीं उनके नसीब में है सही या नहीं हम कल से लेके घूम रहे हैं अभी तक सड़कों पे हैं रात हमने रेस्ट किए वैसे घर पे आज लेके रवाना हुए हैं तो अभी तक सफ़र में है दुआ करें कि आज रवाना हो जाए यहाँ से मैं तो अभी तो हमारा सफ़र कंटिन्यू है अभी चलते हैं उधर ही टर्मिनल पे अल्लाह करे आज वहाँ से कोई टाइम जा रहा हो जहाँ जिस पे ये हमारे मैंगो चले जाएँ तो देखते हैं आगे क्या होता है रहीमी और खान इंटरचेंज पे जो है ना पहुँच चुके हैं वाकई रही में आ रहे हैं yes. रही
درمیان کھانا بھی ادھر سے اقبال آباد تیرا گلو کا رہی تھی جیو آزاد ملنگ نمبر ون حاجی گل رحمت اینڈ کمپنی سوات ٹو کراچی سے टर्मिनल वो क्या ना इकबाल आबाद भी है ये भी है इकबाल आबाद है ना इकबाल आबाद असल में मुझे पता नहीं था ना कि कौन सी इसलिए मैं पूछ रहा था पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ इकबाल आबाद नाम तो सुना होगा ना नाम तो सुना होगा आम तो छापे खड़े हैं सामने ये देखिए फलों का बादशाह आपकी दहलीज पर खाएं भी खिलाएं भी चलो जी आ जाओ फिर सत बिस्मिल्लाह जिसने खाना है आ जाओ ये सामने टर्मिनल पहुंच चुके हैं अब दुआ करें कि अल्लाह करे यहाँ से ये रिसीव कर ले और शाम का टाइम जो है ना वो लेके चले जाए नहीं तो फिर इस तरह का दिल कर रहा है कि रास्ते में बैठ के हम तसल्ली से इसको खा लेंगे क्योंकि कल से इनको लेके घूम रहे हैं अब दिल तो वैसे यही कर रहा है हामी भर लिया इन्होंने कि आज जो है ना भेज देंगे इंशाल्लाह तो अभी सुख का सांस लिया है कि चलें ना तो हम खाएंगे जिनके नसीब में है वल्ला करे वहां पहुंच जाएं तसल्ली से सीधा सीधा वो तू पकड़ के ना बिलाल साहब वो जिन्हें शाह पर पकड़े ना मैं डू काट के गया सवेरे एक बार बाहर कटवा दी ना मैच आ गया हाँ ना इनको सुमार दे तले एक डजन ना एप्टा बाद यहाँ से इनको रिसीव करवा के अभी हम घर की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि आज जो है ना जुमरात है खालू की खत्म शरीफ में भी पहुंचना है ऐसे ही उतने 5-10 मिनट का काम था वो करवा के अभी जो है ना 4:38 मिनट हो गए 5 बजे हमने पहुंचना खत्म पे और कितना मिले किलोमीटर है 40 है 60 किलोमीटर किलोमीटर इधर से और जहर पी अगू कितना से 20 किलोमीटर कितना है साठ किलोमीटर का तो उधर ही बोर्ड पड़ा है ना जहाँ से निकले जहर पीर से नहीं, वो मेरे 5 बजे हमने खत्म में पहुंचना भी चले दुआ कीजिएगा 18 मिनट में 40 किलोमीटर करके उस इंटरचेंज से अभी इंटरचेंज जहर फिर से अब नीचे उतर है टोटल 40 किलोमीटर की है अभी ना 18 मिनट में अभी 20 किलोमीटर आगे रहता है घर पहुंचने में 11